धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश का खुलासा आज उस पत्र से हुआ है जो संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र को मिला है। हम इस समय संकट मोचन मंदिर के बाहर हैं और संकट मोचन मंदिर को उड़ाने की धमकी भरा पत्र यहाँ के महंत को प्रेषित किया गया है जो एक पोस्ट के द्वारा उन तक मिला है। फिलहाल इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद किए जाने की बात कह रही है, लेकिन सच्चाई इससे परे है और मौके पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की कोई भी इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से जो दो मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी ही तैनाती यहाँ पर है। इसके अलावा फिलहाल पुलिस या खाकी का कोई भी इंतज़ाम यहाँ पर देखने को अब तक नहीं मिल रहा है। ये हाल तब है जब 2006 को संकट मोचन में एक ब्लास्ट हो चुका है, आतंकी घटना को अंजाम दिया जा चुका है और उस घटना के बाद इस पत्र का एक बार फिर से मिलना, वो भी 6 दिसंबर से पहले मिलना, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और पुलिस भले ही ऑन कैमरा या फिर ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रही हो कि हमारी तरफ से मुस्तैदी है, हमने सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सारी चीज़ें हवा हवाई है। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं और मंदिर की तरफ से सुरक्षा है, पुलिस की तरफ से कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देखने में नहीं मिल रही है। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।